हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर पहला एग्जांपल लिया है ऑन मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हमें गिवन है पार्टिकल का पोजीशन, पार्टिकल का आर वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन वेक्टर फॉर्म। मतलब उस पोजीशन को हमने आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में लिखा है, टाइम भी इस एक्सप्रेशन में आ रहा है। हमसे पूछा गया है कि ऐसे में इस पार्टिकल की वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ नया नहीं करना है, हम वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं। हम बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर। दैट मीन्स इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, दैट्स इट। इसमें तीन टर्म्स हैं, एक आई कैप वाला, एक जे कैप वाला और एक के कैप वाला। तीनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पहला है 3.0 टी आई कैप। देखिए 3.0 कांस्टेंट है, आई कैप भी कांस्टेंट है, सिर्फ टी एक वेरिएबल है। और टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1। सो दैट इज इक्वल टू 3.0 आई कैप। अगला एक्सप्रेशन है -2.0 टी स्क्वायर जे कैप। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, जे कैप कांस्टेंट है, 2.0 टी स्क्वायर मतलब 4.0 टी जे कैप। प्लस ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, 4.0 कांस्टेंट, के कैप कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। सो दैट मींस वेलोसिटी इज 3.0 आई कैप प्लस 4.0 टी जे कैप मीटर पर सेकंड। अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन में फिर से कुछ नया नहीं करना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी डीटी। मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका 0, इसका आएगा -4.0 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन वेक्टर फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म में मालूम है एक्सेलरेशन भी और वेलोसिटी भी। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के पूछा गया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन का नहीं पूछा है, सिर्फ वेलोसिटी का पूछा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन किधर होगा ये पूछा गया है। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, अगर हम t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बारे में बात करें तो वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, t की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू 3.0 आई कैप -8.0 जे कैप। दैट मींस इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 73 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। डायरेक्शन निकालने के लिए हमें एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर हम इसकी वेलोसिटी देखें तो ये है 3.0 आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में 3 है, और -8.0 जे कैप मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 8 है। इसका डायरेक्शन बताने के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, ये थीटा से हम डायरेक्शन बताएंगे, थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब थीटा नेगेटिव होगा ये एक्चुअली, पर हम सिर्फ लिख देंगे इतना एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम ये थीटा निकालना चाहें तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा हो जाएगा ये 8, ये 3, तो 8/3। सो अगर टेन इनवर्स 8/3 एंगल ले लें हम, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन है टेन इनवर्स 8/3 फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर होगा, वेलोसिटी निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और उसका डायरेक्शन भी निकाल लिया। थैंक यू।